हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइन एंड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होगा, देखेंगे भैया जीएसएम के आइडेंटिफायर्स क्या है। एक तरीके से अगर एक ग्लोबल स्पेस में अगर आप किसी एक सर्विस को यूज कर रहे हो, मतलब एक तरीके से आप सब्सक्राइबर हो किसी एक सर्विसेज के, ओके, आप चाहते हो, आप उपभोक्ता हो किसी सर्विसेज के, तो फिर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए देन द अदर यूजर्स, मतलब बहुत सारे यूजर्स होंगे ना, लेकिन उसमें से उन सभी यूजर्स में से आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ओके? तो उसके लिए कई सारे आइडेंटिफायर्स हैं, उसके लिए कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग अभी जीएसएम आइडेंटिफायर्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग आपके स्मार्टफोन से शुरू करते हैं। स्मार्टफोन मतलब IMEI, दैट इज अ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब ये ऐसी आइडेंटिटी है जो कि आपके मोबाइल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई है, ओके? मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके मोबाइल इक्विपमेंट को, मतलब आपका जो स्मार्टफोन है उसको हम लोग इंटरनेशनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट को इंटरनेशनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय दिस आइडेंटिटी। अब चलो ठीक है, आइडेंटिटी बोल दे, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, ये कौन करता है, इसको एलोकेट कौन करता है? सो दिस आइडेंटिटी इज एलोकेटेड बाय इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब आपका जो स्मार्टफोन बनाता है, जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है, जो कंपनी होती है, एक तरीके से वो एलोकेट करती है ये IMEI नंबर टू योर मोबाइल इक्विपमेंट। और क्या होता है, रजिस्टर्ड बाय नेटवर्क ऑपरेटर। ऑब्वियसली एक बार आपका वो नंबर, वो आइडेंटिटी एक बार एलोकेट हो गया आपके मोबाइल इक्विपमेंट को, तो ऑब्वियसली आप अगर वो किसी ना किसी नेटवर्क में जाओगे उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उस नेटवर्क का जो ऑपरेटर होगा, जो सेंट्रली एलोकेटेड नेटवर्क ऑपरेटर होता है, वो नेटवर्क ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर है, दिस इज नॉट ऑपरेशन, ये ऑपरेटर है। सो वो जो नेटवर्क ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, इस नंबर को रजिस्टर करेगा इनटू द नेटवर्क। सो दिस नंबर इज गेटिंग रजिस्टर्ड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर इन द नेटवर्क। एंड फाइनली और क्या क्या होता है उसके अंदर, इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चरर एंड DOM, मतलब मैन्युफैक्चरर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, अश्योरेंस वगैरह, सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरर से होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होती है, वो सब कुछ आपका होगा यहाँ पे। एंड DOM मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑब्वियसली ये भी उधर इंक्लूडेड होता है कि कब इसे मैन्युफैक्चर किया गया है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप IMEI से रिट्राइव कर सकते हो। आते नेक्स्ट के ऊपर, IMSI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। अभी आप नेटवर्क में रजिस्टर हो चुके हो, अभी आप किसी एक कंपनी की सर्विसेज को यूज कर रहे हो, आपने उस कंपनी की सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है, तो फिर आपके साथ जुड़ जाएगा एक इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जुड़ जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल यहां पे एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है वन, समझ लो सब्सक्राइबर वन है, अब मुझे इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है देन दैट ऑफ द अदर सब्सक्राइबर। एक कंपनी के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनमें से मुझे एक सब्सक्राइबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्लोबल स्केल से शुरू करूंगा। ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्केल मतलब क्या, मोबाइल कंट्री कोड, मैं मोबाइल कंट्री कोड से, मतलब मैं शुरू ही कंट्री से कर रहा हूं, तो आपका 3 decimal places तक का एक मोबाइल कंट्री कोड होगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये डेसिमल प्लेसेस हैं। सो ये 3 decimal का पहले मोबाइल कंट्री कोड करोगे, तो चलो कंट्री है इंडिया, अब इंडिया के अंदर आप बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, तो आप किसी एक नेटवर्क कोड को डिटरमाइन करोगे बाय दिस 2 decimal places मोबाइल नेटवर्क कोड, दिस इज अ मोबाइल नेटवर्क कोड। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये यूजर किस नेटवर्क में है, फिर आप उस नेटवर्क के अंदर जाके मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देखोगे, मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 decimal places तक हो सकता है, और जैसे ही आपको ये पता चल गया आप इस यूजर नंबर वन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके? इस सब्सक्राइबर को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस 3 places फ्रॉम गोइंग ग्लोबली टू लोकली, ठीक है? अब आते हैं लोकेशन एरिया आइडेंटिटी, LAI, लोकेशन एरिया आइडेंटिटी। सी ये आपका नेटवर्क है, बराबर, ये नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे लोकेशन एरियाज होंगे, बहुत सारे लोकेशन एरिया होंगे। अब मुझे इसमें से किसी एक लोकेशन एरिया पे फोकस करना है, मुझे वहां तक जाना है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा ग्लोबली, मतलब कंट्री कोड, CC मतलब क्या, कंट्री कोड होगा जो कि 3 decimal लेगा, कंट्री कोड। एक बार मैंने कंट्री तय कर ली, चलो इंडिया, इंडिया में कितने सारे नेटवर्क है, उसमें से मुझे सिर्फ कुछ, मतलब जो मुझे समझ लो ये जो है, ओके, ये किस नेटवर्क में फॉल करता है, ये जो लोकेशन एरिया है ये किस नेटवर्क में फॉल करता है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मोबाइल नेटवर्क कोड में जाना पड़ेगा। सो कंट्री से मैं कहाँ गया, किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर गया बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इज द मोबाइल नेटवर्क कोड बाय द 2 decimal places। उसके बाद और मुझे डेप्थ में जाना है और पर्टिकुलर लोकेशन एरिया को पकड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, लोकेशन एरिया कोड पकड़ूंगा, इस नेटवर्क के अंदर कितने सारे लोकेशन एरिया है, तो मुझे ये लोकेशन एरिया चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा जिसकी
डेसिमल वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 5 होगी, डेसिमल प्लेसेस जो होंगे वो मैक्सिमम 5 होंगे। तो एक तरीके से हम लोग कंट्री से एक पर्टिकुलर लोकेशन एरिया तक पहुंच गए। ओके, अब आते हैं यहाँ पे TMSI, दैट इज अ टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। टेम्पररी नाम में लिखा हुआ है। अगर आपने VLR HLR वीडियो नहीं देखे मेरे तो जरूर देखिए, वहां पे आपको मैंने अच्छी तरह समझाया कि VLR और HLR का फंडा क्या होता है। VLR टेम्पररी स्टोर करता है, HLR परमानेंटली स्टोर करता है, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो नंबर है ये असाइन कौन करता है, ये नंबर कौन असाइन करता है, दिस नंबर इज असाइंड बाय VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर। और जैसे ही वो इस नंबर को असाइन करता है वो स्टोर कर लेता है, इट स्टोर्स इन द VLR। ये जो नंबर है यहां पे स्टोर होता है VLR में, लेकिन एक बार वो VLR में स्टोर हो गया ये टेम्पररी नंबर फिर HLR को पास नहीं किया जाता। इट इज ओनली स्टोर्ड इन VLR, इट इज नॉट पास टू HLR। ठीक है, ये हो गया TMSI। अभी लास्ट पे आते, दैट इज सेल आइडेंटिटी। क्या आता है, सेल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल सेल्स दैट आर विद इन अ गिवन लोकेशन एरिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब आपका ये लोकेशन एरिया है, बराबर ये लोकेशन एरिया है। अब ये जो आपका लोकेशन एरिया है इसके अंदर कितने सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेल हो सकते हैं। सो टू इंडिविजुअल सेल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड गिवन अ लोकेशन एरिया by this CI, that is a cell identity. So on given this cell identity in a location area, we can individual cells को हम लोग क्या कर सकते हैं, recognize कर सकते हैं given a location area. So this was about the very basic level, cell level. मतलब हम लोग cell level पे आ गए, that is a cell identity. तो शुरुआत की थी हमने global से, फिर आ गए subscriber पे, फिर आ गए एक location area पे, and then finally to the cell. So इस तरीके से आपके जो identifiers हैं GSM के vary करते हैं, इस तरीके के उनके कुछ फीचर्स हैं, ये उनके कोड्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। एंड दिस इज व्हाट इज GSM आइडेंटिफायर्स, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बड़े आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आया होगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आया होगा, मैंने आपकी कई तरीके से मदद अगर की होगी इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज मेरी भी मदद कर दीजिए बाय डूइंग दोस 3 मैजिकल थिंग्स। कौन सी 3 मैजिकल चीजें, जो सिर्फ आप कर सकते हो और वो बिल्कुल फ्री है। कौन सी, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर नहीं किया होगा तो कर दीजिए। चैनल का नाम है 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।